तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। कोरोना के मरीजों को लेकर सरकार तनाव में। तनाव के बीच दिल्ली सीएम की गृह मंत्री से मुलाकात। मुलाकात में हुई कई सारे मुद्दों पर बात। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के कई कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली की स्थिति को देखते हुए यहां फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विस्तार से चर्चा की और उन्होंने कहा कि हर सहयोग के लिए हम तैयार हैं। पहले दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्य के लोगों को दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए मना कर दिया था, लेकिन सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा और इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में बेड लगभग भर चुके हैं। अब बैंक्वेट हॉल, होटल और स्टेडियम में अस्पताल चलाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और रोज आने वाले मरीजों को लेकर गहनता से समीक्षा कर रही है और अगर जरूरी हुआ तो सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी। हालांकि सरकार इस बात को हमेशा से कहती रही है कि अभी कोरोना जाने वाला नहीं है। व्यवसायिक गतिविधियां बंद हो जाने से सरकार और जनता दोनों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, मगर दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में इलाज के लिए छूट दिए जाने के बाद तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को लेकर सरकार तनाव में आ गई। सरकार को ये चिंता भी सता रही है कि बेड कहां से आएंगे। सरकार ये भी कह रही है कि दिल्ली में कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पर है, हालांकि इस बारे में फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मामले हैं। वहीं मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चिंता जताते हुए कहा था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख केस हो जाएंगे, जिसके लिए 80,000 बेड की आवश्यकता पड़ेगी। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली।